दोस्ते से चला 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 चला। न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। राजधानी पटना में गुंडा राज कायम हो गया है। आए दिन अपराधी किसी न किसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं और इस समय राजधानी पटना के मासलानी में एक हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। हालांकि यह घटना मासलानी थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दे दिया गया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। आखिर इस घटना से संबंधित पूरी खबर क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना सिटी से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक युवक को ईंट पत्थर से कूचकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। घटना मानसलामी थाना क्षेत्र की है, जहां मानसलामी थाना से महज कुछ ही दूरी पर हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना साबरचक हाता के पास एक झाड़ी के पास की है, जहां इसी क्षेत्र के रहने वाले बिजली मैकेनिक विकास उर्फ मल्लू की हत्या ईंट पत्थर से कूच कर दी गई है। हालांकि हत्या की सूचना परिजनों को मिली तो परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय थाना को इस घटना की सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है। हालांकि मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक मल्लू के दोस्तों पर शराब पिलाकर किए जाने की बात कही है। इस दौरान हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। थानेदार प्रमोद कुमार ने बताया कि युवक की हत्या ईंट पत्थर से पूछ कर दी गई है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक सावर के खत्ता में जो है एक घर के पीछे झाड़ी वगैरह है, झाड़ी में एक सिर ऊँचा हुआ व्यक्ति का लाश मिला है। उसकी पहचान विकास कुमार के नाम सावर के खत्ता का हिराना बना है। प्रथम दृष्टा देखने में लग रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा सिर पूछ कर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्ते से चला 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 चला। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस हत्या के पीछे जो भी हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज फाउंडेशन, पटना सिटी।